नमस्कार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के। रोड किनारे पड़ा मिला खून से लथपथ अज्ञात युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। गोली लगना बताया जा रहा है युवक की मौत का कारण। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा। मामले की जांच की और शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के केडीए कार्यालय के निकट का मामला। बुलंदशहर से संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। साढ़े दस बजे के लगभग स्थानीय व्यक्ति द्वारा किसी द्वारा फोन किया जाता है और ये बताया जाता है कि केडीए के सामने एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसको उठा करके अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो मृत्यु घोषित कर दी। तब तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि ये आदमी कौन है। आधे घंटे 45 मिनट बाद उनके परिजन आते हैं और ये जानकारी मिलती है कि केडीए के सामने का ही जो दुकान है शराब की, उसका ये सेल्समैन है। परिजनों के सामने ही दुकान खुलवा के देखी जाती है। कैश सुरक्षित है, ये पैसा नहीं गया है, तो मुख्य घटना नहीं लगती है। और इनके परिजनों द्वारा यही बताया गया है कि इस दुकान पे पहले और सेल्समैन रहे थे, उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर उनको हटा दिया गया। तो ये एक एंगल हो सकता है और इस बिंदु पर भी फोकस किया जा रहा है। साथ में जितने भी वहाँ आसपास में कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सबको खंगाला जा रहा है और हर एंगल से इसको देखने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी ही घटना की सच्चाई सामने आएगी।